नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है आम, हरी मिर्च और लहसुन का एकदम चटपटा अचार बनाने की। आज हम इस अचार को एक नए तरीके से बनाएंगे जिससे कि अचार बहुत ही टेस्टी लगेगा और इसको आप किसी भी कांच के जार में स्टोर करके एक साल तक यूज कर सकते हैं। बहुत टेस्टी अचार ये बन के तैयार हो जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं आम, हरी मिर्च और लहसुन का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो ये कच्चे आम लिए हैं। इनको मैंने धो के साफ कॉटन के कपड़े से इनको पोंछ लिया है। 15 से 20 मैंने हरी मिर्च ली हैं। इन हरी मिर्च को मैंने धो के आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था जिससे कि इनका मॉइस्चर निकल जाए। यहाँ पर मैंने 2 लहसुन की गांठ ली थी, उनको छील लिया है। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। अचार बनाने के लिए हम मसाले भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम ये सरसों ली है। सरसों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी साबुत मसाले लें वो अच्छे से साफ होने चाहिए। अगर इनमें थोड़ी सी भी गंदगी या थोड़ा सा भी मिट्टी का कण रहेगा तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको धो के भी सुखा सकते हैं या वैसे ही रगड़ के साफ कर सकते हैं। 1/2 कप ही यहाँ पर मैंने सौंफ ली है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं तो मैं इसमें सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही ऐड कर रही हूँ जिससे कि अचार में थोड़ा सा कलर आएगा। 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है। 1/2 चम्मच ही मेथी दाना लिया है। मेथी दाना और कलौंजी में बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने हींग ली है। 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक। नमक का अमाउंट अचार में आप हमेशा ज़्यादा रखेंगे तो अचार आपका ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। और 1 कप यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। तो जब भी आप अचार की कोई भी रेसिपी बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं। अब सबसे पहले जो हमने ये कच्चे आम लिए हैं इनको हम छील लेते हैं। हमने सारे आम छील के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कद्दूकस लिया है। जो आम हमने छील के तैयार किए थे इनको अब हम कद्दूकस कर लेंगे। आम हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो ये हरी मिर्च ली हैं इनको हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे और इनका डंठल हम अलग कर देते हैं। मिर्चों को हमने पहले ही धो के थोड़ा सा धूप में सुखा लिया था जिससे कि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। मिर्च भी हमने इस तरह से रफली कट करके तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हमने एक छोटा इमाम दस्ता ले लिया है जिससे हम चाय में अदरक वगैरह कूट के डालते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिर्च डालेंगे और इसको हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मिर्च को हल्का हल्का काट के भी छोटे छोटे पीसेज में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रश करके इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा अचार बनता है। ये देखिए मिर्च हमने ये क्रश कर ली हैं। तो इन मिर्च को अब हम निकाल के जिसमें हमने आम कद्दूकस कर लिए थे उसी में हम मिला देंगे और इसी तरह से हम बाकी बची हुई मिर्च भी क्रश कर लेंगे। मिर्च हमने क्रश करके आम के साथ ऐड कर दी है। इसी तरह से जो हमने लहसुन लिया है इसी इमाम दस्ते में अब हम लहसुन को भी क्रश कर लेते हैं। लहसुन भी हमने इस तरह से क्रश कर लिया है कि इस लहसुन को भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। आम, लहसुन और हरी मिर्च हमने तैयार कर ली है। चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया है। जो हमने साबुत खड़े मसाले लिए हैं तो उनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन मसालों को नहीं भूनना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ,
सौंफ, सरसों। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन मसालों को 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे कि इनका मॉइस्चर निकल जाए और अचार हमारा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इनको हम ठंडा होने देते हैं। मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है। इन मसालों को हम मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। हमें इनका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मसालों को मैंने कैसा पीसा है। ये देखिए, इनको मैंने दरदरा रखा है, आप देख सकते हैं। जिस पैन में हमने मसाले भून के तैयार किए थे, उसी पैन को हमने दोबारा से ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल और इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए, तेल में से धुआं निकलने लगा है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और तेल को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। जो भी आप बर्तन लें अचार मिक्स करने के लिए, तो वो साफ़ सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस बोल में हम आम, हरी मिर्च और लहसुन, जो हमने क्रश करके तैयार किए हैं, उनको डाल देते हैं। अब इसमें जो हमने ये साबुत मसाले पीस के तैयार किए हैं, इसको डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक। सारी चीज़ों को हमने इस बोल में डाल दिया है। अब हमने जो सरसों का तेल गरम किया था, इसको हमने 5 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा कर लिया है। पूरी तरह से इसको ठंडा नहीं किया है, हल्का सा ही गुनगुना है तेल। तो इस गुनगुने तेल को अब हम इस अचार में डाल देते हैं। तेल डालने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस अचार को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये अचार पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तो हम इसको किसी कांच के कंटेनर में भर के रख लेंगे। 1-2 दिन हम इसको हिलाते रहेंगे, तीसरे दिन से ये अचार हमारा खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी आम के अचार की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।